उन 50वें खजुराहो नृत्य समारोह में पत्थरों पर जिंदगी की दूब रोपी हम सृजन का वेग हैं, आकार हैं, हम खजुराहो में वाकई पत्थरों पर जीवंत शिल्प जिंदगी की रवानगी की मिसाल हैं कि उस पर नवगति, नवलय और नए ताल छंद भरते नृत्य भारतीय कला संस्कृति को एक उदात्त रूप में सामने लाते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह का यह स्वरूप दिलो दिमाग में लेकर आज दुनिया भर से आए सैलानी भरे दिल से अपने गाँव और शहरों के लिए रवाना हुए। आज आखिरी दिन भी उन्होंने इस उत्सव का भरपूर आनंद लिया। गोपिका का मोहिनी अट्टम अरूपा और उनके साथियों की भरतनाट्यम ओडिशा और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति उनकी आंखों में समाई हुई थी, तो पुष्पिता और उनके साथियों का नृत्य भी उनकी स्मृतियों से जाने वाला नहीं है। आज आखिरी दिन नृत्य की शुरुआत गोपिका वर्मा के मोहिनी अट्टम से हुई। भारत की सांस्कृतिक दूत के रूप में विख्यात गोपिका ने गणेश स्तुति से अपने नृत्य की शुरुआत की। चित्रागम नाम की इस प्रस्तुति में उन्होंने नृत्य भावों गणेश जी के स्वरूप को साकार किया। कोरियोलैम नई जुड़ी एक बड़ी गतिविधि जो देश में ही पहली बार हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई। ये कोरियोलैम जैसी कोई गतिविधि इससे पहले नहीं हुई। और खजुराहो नृत्य समारोह से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा जो नृत्यों की नई भाषा की खोज करे। करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले 50 सालों के लिए हमारे पास एजेंडा क्या है। वरना आप लोग कहेंगे जो होता था वही तो आप कर रहे हैं, तो नहीं। आप खुद अपने आप से पूछिए कि इन 10 सालों में जब बदलाव आया है तो आपने क्या क्या नया देख लिया। आपके मन में सहज प्रश्न है ये, आपने बहुत ही मासूम प्रश्न पूछा और बहुत अच्छा पूछा कि क्या होगा, लेकिन वो क्या होगा का इंतजार करिए और देखिए फिर क्या होता है। सर, युवाओं को कला से जोड़ने के लिए क्या प्रयास? युवाओं को कला से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं ये प्रयासों में मुझे तो खुशी है कि जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें स्कूल के बच्चे तक आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। मिट्टी उनके लिए अनजानी नहीं है, बिल्कुल अनजानी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में, ये शुद्ध ग्रामीण इलाका है, यहाँ मिट्टी अनजानी नहीं है। लेकिन जैसे जो एक चिंता की बात होती है वो ये होती है कि यहाँ जो कुम्हार पारा है, जो कुम्हारों का छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, अब वो नहीं है, ये कहीं और चले गए रहने करने। पर कई बार ये होता है कि हम अपरिहार्यता मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा काम, मतलब वो उनका काम है, उन्हें करना है। आपसे मैं कहूँगा कि सिर्फ कभी कभी जीवन में समय मिले तो एक दिन एक मोची के पास थोड़ी देर बैठिए, उसके पास बैठ के ये जानने की कोशिश करिए कि उसने पूरा जीवन कैसे बिताया। वो उन्हीं के भरोसे है जो आपके पाँव में। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।